नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरुजी स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। आज की स्पीड होगी 60 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, गुलामी के लंबे दौर के बाद स्वतंत्र हुए भारत के निर्माण के लिए जहां सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ हुए, वहीं वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी तेजी आई। इतने कम समय में हम इतनी अधिक प्रगति कर गए कि हमारा देश बैलगाड़ी के युग से निकलकर आधुनिक विज्ञान के युग में आ पहुंचा। आज भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज हमारे यहाँ विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो पाया है। पैराग्राफ। स्वतंत्रता के लंबे दौर के बाद भी भारत में हिंदी विज्ञान लेखन और प्रकाशन विदेशी भाषा के शिकंजे में कसा हुआ है। आज भारत के जिन क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी में विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, वहीं 40% विद्यार्थी BSc में पहुंचने से पहले विज्ञान विषय छोड़ देते हैं, जिसका कारण BSc में पहुंचकर अचानक अंग्रेजी भाषा में पाठ्य पुस्तकें होना है। इनमें से 45% विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम को रो धोकर अपना लेते हैं, वहीं अन्य 15% यदि हिंदी माध्यम को अपनाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पहले तो उनके सामने हिंदी माध्यम से पाठकों का या बहुत कम होना है। दूसरे शिक्षकों द्वारा तैयार कराई जाने वाली पाठ्य सामग्री भी हिंदी में नहीं होती। यदि होती भी है तो हिंदी अंग्रेजी की उस खिचड़ी में अंग्रेजी की दाल कहीं अधिक होती है। कुल मिलाकर हिंदी माध्यम से विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं
रहती और उनके सामने सदैव एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि वह हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण भी कर पाएंगे या नहीं। उधर अंग्रेजी माध्यम से जाने वाले विद्यार्थियों की स्थिति मात रट्टू तोते की बनकर रह जाती है। पैराग्राफ। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने हिंदी को समस्त विषयों के अध्ययन एवं परीक्षा का माध्यम स्वीकारा है, लेकिन सवाल यह है कि कितने संस्थानों ने इसे खुले दिल से स्वीकारा है और कितने शिक्षकों इसके पक्ष में हैं। इसका अनुमान आज भी हिंदी में विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के अभाव को देखकर सरलता से लगाया जा सकता है। आज शिक्षक वर्ग द्वारा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी जाती हैं। फुल स्टॉप।